जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर और गुरु जम्बेश्वर सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में विष्णोई छात्रावास शिवनगर में चल रही 5 दिवसीय संस्कार शिविर का समापन मंगलवार को हुआ। समापन के अवसर पर भाजपा नेता के विष्णोई सहित कई अतिथियों ने शिरकत की। समापन समारोह में इस 5 दिवसीय शिविर के दौरान आयोजित हुई विभिन्न गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मोमेंटो और प्रशंसनीय पत्र देकर सम्मानित किया गया। जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर और गुरु जम्बेश्वर सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में विष्णोई छात्रावास शिवनगर में चल रही 5 दिवसीय संस्कार शिविर का समापन मंगलवार को हुआ। समापन के अवसर पर भाजपा नेता के विष्णोई ने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी मोबाइल और नशे के चक्कर में पड़ रही है, इसलिए वर्तमान समय में ऐसे संस्कार शिविर की महती आवश्यकता है जिससे युवा पीढ़ी को बचाकर सुमार्ग पर चलाया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक सही राम डारा ने कहा कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी अंगीकार कर चलेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। कार्यक्रम को सेवक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सिंह कसवा, डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर बंसीलाल डाका, डॉक्टर सोहनलाल बोला आदि ने भी संबोधित किया। इस 5 दिवसीय शिविर का प्रतिवेदन हरिराम खीचड़ ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु चम्बेश्वर भगवान की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन कर की गई। शिविर में भाग लेने वाले बच्चों ने आरती वंदना की। इस अवसर पर शिविर के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में शेष प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मोमेंटो और प्रशंसनीय पत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। हमारे विष्णोई समाज की संस्था है जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर में 2012 से संचालित होती है। उसके द्वारा बाड़मेर में संस्कार शिविर रखा गया जो 19 तारीख से शुरू हुआ था और आज 5वां दिन है, 23 तारीख को समापन होने जा रहा है, जिसमें 88 बच्चों ने पंजीकरण करवाया था। उसमें से 73 बच्चे उपस्थित हुए और उन्होंने पूरे समय उपस्थित रहकर इस शिविर का लाभ लिया। विशेषकर 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे थे उसमें। इस अवसर पर गोपीलाल गोदारा, डॉक्टर विष्णुराम, भजनलाल ठेकेदार, आयदान राम गोदारा, भजनलाल गोदारा, हरिराम जानी, प्रकाश खिलेरी, ठाकरा राम खिलेरी, सुजाराम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वही समापन समारोह में बाबूलाल तेतरवाल ने आगंतुक मेहमानों एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देकर आभार किया। मंच संचालन डॉक्टर पंकज मांझू ने किया।